मैं हूँ अभी इस वक्त अपने मामा जी के घर में और हमें जाना है। ये है घर और ये है मामा जी का घर और अभी मुझे जाना है वहाँ जंगल में। हम जाएंगे नीचे के पैदल रास्ते, वैसे मेन मार्केट के रास्ते से भी मंदिर का रास्ता है, लेकिन हम यहाँ से सॉर्ट जाएंगे। तो आप लोग मेरे इस व्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, हमें जाना है इस मंदिर में। गाइज हम घर से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा। और ये मैं अभी तक यहाँ पर थी। फिर से लाइक और सब्सक्राइब। आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। इसु हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। कौन से मंदिर? शिशु मंदिर। क्या जोक मारा आजकल के बच्चे भी ना। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं छानी में। ये हमारा यहाँ पर पुराना घर था मेरे नाना जी का और अब सारे मामा जियों ने अपना अलग अलग घर बना दिया है। और ये जो ये रास्ता है ये मंदिर का शॉर्ट रास्ता है, आप देख रहे होंगे, जो कि अब पूरा टूट चुका है। सबने अपना घर अलग अलग बना दिया है। और मेरे साथ इस वक्त हैं ईसु, पापा और दिया। ईसु और दिया मेरे मामा जी की नाती नातिन है और इनकी मम्मी भी अपने नाना जी के घर आ रखी है और मैं भी अपने नाना जी के घर आ रखी हूँ। मतलब ईसु और दिया का मामा कोट भी रानी चौरी है और मेरा मामा कोट भी रानी चौरी है ना ईसु? ईसु नो वहाँ से कुछ बोलेगा? वहाँ से नहीं, वहाँ से बंद है। फिर नहीं वहाँ से नहीं अब को फ्रॉम हियर नॉट। तो गाइस रानी चौरी आज की डेट पे इतनी डिमांड की जगह बन चुकी है ना कि यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं दिल्ली मुंबई गुजरात वो लोग यहाँ पर जमीन लेके मकान बनवा रहे हैं। गर्मियों के लिए यहाँ पर लोग क्या हैं कि रहने के लिए अपना जो यहाँ पे परमानेंट घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से और जमीन ले रहे हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एकदम ना ठंडा ना गर्म, आजकल गर्मियों में भी मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है। देखिए गाइस ये चीड़ के पेड़ है ना और ये आपको जो दिख रहा होगा ये मेरे पैरों के नीचे, ये क्या है, ये जो चीड़ होता है पाइनस उसकी पत्तियां हैं। ठीक है, गढ़वाली में से बोलते हैं पिल्टा और बोलते भी हैं कि संभल के जाना है रास्ते में, पैर पिल्टे में ना फिसल जाए। ठीक है, का काम क्या होता है, जो आपके यहाँ पे गाय भैंस होंगी उनके नीचे से बिछाया जाता है। ठीक है, पाइनस का जो फ्रूट होता है ना चीड़ का पेड़ का, जिसे गढ़वाली में छेती बोलते हैं, छेतला बोलते हैं, इसको मैं ले जाऊंगी अपने घर पे। ठीक है, यहाँ तो लोग आग जलाने में इसका यूज़ करते हैं लेकिन मैं उस पर कलर करूँगी और डेकोरेशन के लिए उसका यूज़ करूँगी।
दिया जो है अपने साथ छाता लेके आई है, क्योंकि बारिश का एकदम मौसम बन रहा है। यहाँ तो बहुत ठंडा हो रहा है जबकि जून का महीना है, और हम लोग यहाँ पर रजाई भी ले रहे हैं, स्वेटर भी पहन रहे हैं, एकदम मस्त मौसम है। दोस्तों हम अभी जहाँ जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पुंडयासनी जो कि मेरी मम्मी के यहाँ पर मायका है, तो यहाँ की वो ईष्ट देवी है, यानी कि कुल देवी है, आपको पता होगा। तो हम हर साल यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। और जो पुराना मंदिर था वो उस तरफ था जंगल में, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे नया मंदिर बना दिया है। मतलब यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, बात एक ही है, जो लोग वहाँ पर नहीं जा पाते हैं वो जंगल में हैं, घने जंगल के बीच में, तो वो लोग यहीं पर चले जाते हैं। अभी जहाँ रुकी थी वो मेरे तीसरे नंबर वाले मामा जी थे, और अभी जहाँ हम जा रहे हैं पुंडयासनी, वो रानी चौरी मार्केट से नीचे कुछ एक दो मिनट का रास्ता ही है, तो वहाँ पे मेरे रहते हैं सबसे छोटे वाले मामा जी। लेकिन वो आजकल, उनका घर है देहरादून, वो यहाँ आते हैं कभी कभी छुट्टियों में। अभी आए थे तो अभी तो आ नहीं, तो यहाँ पर छुट्टियों में आए थे, लेकिन वो अभी चले गए हैं देहरादून। तो मैं आपको उनका घर भी दिखाऊंगी, और मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी उनका घर भी वहीं पर है मंदिर के पास में। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आगे आगे देखिए होता है क्या।